राजेंद्र प्रसाद, समाजसेवी एवं सिविल कोर्ट पटना के अधिवक्ता। इस तारीख को इसके लाल किला पर घटना घटी है, वो बात सुनकर के और देख करके मैं बहुत मर्माहत हुआ और मौजूदा भारत सरकार पर मुझे आश्चर्य हुआ कि जो आदमी लाल किला की रक्षा नहीं कर सकता है वो देश की रक्षा क्या करेगा। मैं वही बताना चाह रहा हूं कि रूट तय था, भारत सरकार के पास खुफिया रिपोर्ट, खुफिया विभाग, राव सब कुछ है, और जब इस तरह की कार्रवाई होने की बात थी तो भारत सरकार को ये बात पता नहीं चला। ये बड़ा ही शर्मनाक बात है। अगर तैयारी की होती तो ये इस तरह की घटना नहीं होती। रूट जो तय हुआ था, उस रूट से जब दूसरे रूट पर जाने लगा था प्रदर्शनकारी, तो उसको वहीं रोक देना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार की और दिल्ली की पुलिस ने उसको लाल किला तक जाने दिया, और जाने ही नहीं दिया, लाल किला के एक कोने, एक कॉर्नर पर एक बिल्डिंग में झंडा फहराने का करीब डेढ़ घंटा दो घंटा, जबकि भारत सरकार के अंडर में आर्मी है, फोर्स है, भरा हुआ है, तो उस किसके दिन के लिए है। सरकार, हमको तो लगता है कि सरकार खुद करवाया है किसान आंदोलन को फेल करने के लिए। भारत की रीढ़ है किसान, और उस रीढ़ अभी चट्टानी एकता दिखला रहा था, उसको विखंडित करने के लिए हमको लगता है कि ये भारत सरकार की साजिश है। अगर साजिश नहीं होती तो ये जिस तरह जब ही रूट का चेंजिंग हुआ था, ये फोर्स उसको जाने से रोकती, कहीं नहीं रोक रही है। जब चला गया, झंडा फहरा दिया, तब इसकी पुलिस जाती है। पुलिस काहे को रहेगा, ई काहे को रहेंगे, जबकि उस लाल किले पर झंडा फहराने के लिए हमारे मनीषियों, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, सरीखे, बहुत सारे लोगों की देन और हमारे शहीदों का देन है कि आजादी मिली है लाल किला पर झंडा, उसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल आदि आदि बहुत सारे नौजवान उस समय अपने आपको हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर लटक गए, तभी आजादी प्राप्त किया है। किसान संगठन के जो है मेन अध्यक्ष जिसको देख रहे हैं, उनका कहना है साफ तौर पे, इसमें मेरे संगठन का कोई हाथ नहीं, वो माफी भी देश से मांगे हैं, इस पर आपका क्या कहना है सर? वो माफी मांगे हैं, बात ठीक है, उनके संगठन का नहीं है। हम तो एक सोशल मीडिया का एक न्यूज था, उसमें लिखा हुआ था कि सिंधु जो था वो भाजपा का आदमी था जिसने झंडा फहराया जाकर के। देश दुनिया से कोई मत, जो लाल किला की रक्षा नहीं कर सकते हैं, लाल किला के प्राप्ति के लिए कितनी कुर्बानियां हुई, कितने लोग शहीद हुए, जलियांवाला बाग हुआ, इसके बाद ये लाल किला पर झंडा फहराने का दिन प्राप्त हुआ, इसकी रक्षा ये नहीं कर सकते हैं, कि देश की रक्षा क्या करेंगे। इनको एकमात्र प्रोग्राम है देश को बेचने का। हाल ही में एक प्रोग्राम इनका था कि किसानों के लिए हम दूध लाने के लिए, ले जाने के लिए एक ट्रेन चला रहे हैं, किसान ट्रेन, और किसके साथ, तो पार्टनरशिप में चला रहे हैं। हमारा देश का पार्टनर कौन होगा? हमारा ये कहना है कि पार्टनर का मतलब है कि गिरवी रखने के फेरे में लगे हुए हैं। हमारा देश का कंपनी का आदमी हमारा पार्टनर होगा? पार्टनर होते होते हमारा समूचे देश पर कब्जा करना। तौर पर कहना है कि भारत सरकार जो मौजूदा है उसके द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा ही कराया गया है कि किसान के चट्टानी एकता को तोड़ दिया जाए, कमजोर हो जाए, और फिर ये लोग हम लोग से कुछ बात नहीं करें। अभी वो पता कैसे चलेगा भाई, उसको सब पता है। कुछ दिन पहले ही कुछ लोग आ गया था, वो भाजपा का था, किसान आंदोलन में, वो तो मीडिया में दिया था,
इसलिए नहीं है, ये भारत की सरकार का जो ये सरकार है ये गाल बजाने में अपनी दफली अपने आप बजाने में लगा हुआ है, इसको लेना देना नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य है अभी भगवा झंडा को स्थापित करना और देश को गुलाम रखना। इसका प्रमाण है कि एरोड्रोम बेच दिया, रेलवे बेच दिया, तेजस का एक ट्रेन दूसरे कंपनी का चल रहा है, और ये स्टेटमेंट हाल का है, दो चार पांच दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमने दूध के लिए वो रेफ्रिजरेटर सहित, मैंने ठंडा करने वाला क्या होता है, रेफ्रिजरेटर सहित दूध चलावेंगे, किसान का चलावेंगे जिससे दूध फटे गए नहीं और किसान को बहुत फायदा हो। अरे भाई तुम फायदा की बात क्यों कर, किसान की बात वापस लेने की बात अब इनके बस में नहीं है, ये दूसरे के हाथ से गाइड हो रहे हैं। आप जानते हैं कि नहीं कि किसान का समस्या आया तो अंबानी बोला कि हम नहीं जमीन खरीदेंगे, अरे तुम कौन होते हो ये बात बोलने वाला। इसका मतलब है कि कहीं हो गया है ट्रीटी देश को बेचने का, किस देश के किसान को लैंडलेस करने का इनकी योजना बन गई है। हम बताते हैं कि ये वो कल्टीवेटर सबको कहेंगे कि कोऑपरेटिव वाला कल्टीवेटर करेगा और उस पर लोन लेगा, तो अगर लोन लेगा उस पर तो लोन नहीं चुकाएगा तो वो तो निनाम हो जाएगा, तो ये माने साहब उसको मान जाएंगे, भारत सरकार का फंड है कि कितना हजार करोड़ उनका माफ कर दिया, किसान के लिए इनके पास पैसे नहीं है, गरीब गुरुवा के लिए पैसे नहीं है, और ये अंबानी और अडानी के फेरे में घूमे चलते हैं। अब सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से मांग क्या करेंगे, मांगने वाले हैं किसान की मांग माने। अगर सरकार देश हित की बात करते हैं, किसान हित की बात करते हैं, जो जो किसान किसानी किया है, जो खेती करता है, उसको उस समस्या की जानकारी होती है, वो कह रहा है कि हमको फायदा नहीं है, आई चाय बना के कहीं हम बेचा तो चाय वाले को किसान का फायदा नजर आ रहा है, लेते हैं कि मैनिफेस्टो में कांग्रेस रखा था, अरे मैनिफेस्टो में बहुत रखा था, बिल तो नहीं ना लगा कांग्रेस, ये खाली गाल बजाते हैं राफेल राफेल तो ये फेल तो वो फेल, अरे राफेल तो कांग्रेस का ही देन था, उसके समय में ही एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन इनके तरह उगार नहीं बजाता था। अंत में हिंदुस्तान वासियों से, भारत वासियों से, नौजवानों से, किसानों से, पढ़े लिखे लोगों से हम निवेदन करते हैं कि किसान के इस आंदोलन को तन मन धन दे करके, मजबूती दे करके, और इस किसान के कानून को वापस दिलवाए, नहीं दिलवाएंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसे आकर के हमको गुलाम बनाया था, उसी तरह से अंबानी को ला करके, अडानी को ला करके हम लोग को गुलामी के कगार पर ला के रखे हुए हैं, क्योंकि हर बात में अंबानी बोलता है। अंबानी कौन होता है भाई, हमारे देश के और सरकार के बीच अंबानी कौन है? ही इज ऑल्सो ए पर्सन, ऑल्सो ह्यूमन बींग ऑफ कंट्री। कभी भी वो साधु महंत है जो अध्या का उपहार तो आ गया सामने कि झंडा फहराने वाला लाल किला पर था जो भाजपा का समर्थक था, कौन लाइन कौन न्यूज उसका है हाँ। तो ये तो किसान के आंदोलन को कमजोर करने के लिए कि कोई आदमी सरकार के खिलाफ अगर किसान फेल हो जाएगा तो फिर कोई नाम नहीं लेगा, इस यही योजना। देशवासियों से, देश की आम जनता से हमारा निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है कि किसान के इस आंदोलन को हम लोग तन मन धन से मदद करके इसको सफल बनाएं। अगर ये सफल नहीं हुआ तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, ये बहुमत का नाजायज फायदा उठा करके जैसा होगा वैसा कानून बनाएगा, वैसा कानून पास करके हम लोगों को दुर्गति के दिन में ला देना है, हम लोग को गिरवी रखने की योजना बना ली है।